नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में, जहां T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का मैच नंबर 51 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया को इस T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन चाहिए तो इंडिया के अगेंस्ट उनको मैच जीतना ही होगा। और शॉन मार्श, और ये जो कौन सा है, ये मार्श है, ये तो ऐसे स्टेटमेंट भी दे चुका है कि इंडिया के सामने ऑफकोर्स हम लोग मैच जीतेंगे, लेकिन इंडिया के लिए भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो आपको पता है सेमीफाइनल का जो मैच होगा उसका रिजर्व डे नहीं होगा, और पॉइंट्स टेबल पे जो टॉप में होगा अगर मैच वॉश आउट होता है तो वो टीम क्वालिफाई करेगी अब फाइनल के लिए। तो इंडिया के लिए एक तो वो मौका है कि वो टॉप पे आए अपने ग्रुप में, और ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है इसको फाइनल तक आने ही ना दे, यहां से ही रवाना करे, क्योंकि मुझे लगता है अफगानिस्तान की टीम है जो कि बांग्लादेश को बीट कर सकती है, बहुत इजीली कर सकती है। तो भाई इंडिया के पास मौका है। कल के मैच की बात करते हैं, क्या बोला था मैंने, जोस बटलर अल्ट्रा क्लीन स्वीप था, मैक्सिमम लोगों का कैप्टन कौन था, फिल शॉल्ट था। हमने फील्ड शॉट को ना कैप्टन रखा ना वाइस कैप्टन रखा, हमारा वाइस कैप्टन आदिल रशीद। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आदिल रशीद सेम वो चीज रिपीट कर सकता है जो उसने शायद ओमान के अगेंस्ट किया था। उसकी गुगली को समझ पाना, मतलब जो छोटी टीम है उनके लिए उतना इजी नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था। और हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन अल्ट्रा क्लीन स्वीप था, मैंने आपको बोला था सैम करन रिस टोपली, यहां से आपको 2-3 विकेट मिल सकती है। हालांकि दोनों ने मिलके 3 विकेट निकाली, सैम करन को 2 विकेट मिली थी। तो मेरे भाई देखिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं दिखेगा तो फिर वैसा ही चलेगा कि कभी वीडियो आएगा कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन नहीं करता ना। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मन नहीं करेगा, तो जाइए यार जल्दी से वीडियो को बस लाइक करना है। नीचे आपको लाइक बटन दिखेगा, मुझे आपके लाइक करने के कोई ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, बस आपका सपोर्ट आपका प्यार दिखता है, तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने वाली है। आपको अपनी फैंटेसी की टीम कैसे बनानी है, किनको लेना है, किनको ड्रॉप करना है, ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं आज के मैच को लेके। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं भाई, तो जल्दी से जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखिए, जुड़ना बहुत फायदे की चीज है, वीडियो में मैं जो आपको टीम देता हूँ उस टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, समझ रहे हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो चेंजेस फिर मैं आपको कहां पे बताऊंगा टॉस के बाद, टेलीग्राम पे बता पाऊंगा, इस तरीके से आपको टीम मिल जाती है। तो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं, डैरेन समी नेशनल स्टेडियम सेंट लूसिया। सेंट लूसिया में अभी तक जो मैचेस खेले गए अच्छे मैचेस गए, अच्छे रन्स भी बने हैं, बट एज फिलहाल मैं आपको बोलूंगा ये जो डैरेन समी स्टेडियम है, सॉरी डैरेन समी जो ग्राउंड है, इसको आप एकदम बैलेंस्ड पिच लेके जा सकते हो। ये बैलेंस्ड पिच के तौर पे यहाँ पे है, वो काम करेगा, यहाँ पे बैट्समैन, यहाँ पे ऑलराउंडर्स, यहाँ पे स्पिनर्स, यहाँ पे तेज गेंदबाज, यहाँ पे बॉलर्स, आपको सभी इक्वल अमाउंट में रखने पड़ेंगे। अगर आप केवल एक साइड जा रहे हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और ये मैच डे मैच होगा, तो डे मैच में वैसे भी उतना इजीली है वो बॉल बैट पे नहीं आता है, स्पिनर्स को इजीली बैट्समैन नहीं खेल पाता है। तो मुझे लगता है फिर आपके पास वो क्वालिटी वाली चीजें होनी चाहिए, केवल बैट्समैन के पीछे भागना, केवल गेंदबाज के पीछे भागना, वो वाली विकेट नहीं है, बैलेंस्ड विकेट है, सारी चीजें आपके टीम में है वो इक्वली होनी चाहिए, आप बहुत अच्छा है जो कि कर पाओगे। देखिए, टोटल 22 मैच खेले गए, दोनों सेम रहे, 11 बैटिंग फर्स्ट ने 11 चेजिंग ने जीते हैं। यहां पे आप देखोगे स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे 7 टाइम्स, लेकिन 150 से ऊपर 15 टाइम्स बनाए, बैलेंस्ड पिच है, 163 का यहां का एवरेज स्कोर रहता है। रिसेंट के मैचेस की बात करते हैं, ये इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ था, आपको पता होगा ये भी डे मैच था,
साउथ अफ्रीका 163 बना पाई, हालांकि 190 वाली गेम थी, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड चेज नहीं कर पाया, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 4, टोटल विकेट गिरी 12। ये वेस्ट इंडीज ने 180 किए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये नाइट का मैच था, इंग्लैंड ने 181 कर दिए बहुत इजीली, 2 विकेट पेसर्स को, 4 स्पिनर्स को, टोटल विकेट गिरी 6। यहां वेस्ट इंडीज ने 218 किए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ये भी नाइट का मैच था, अफगानिस्तान 114 ही बना पाया, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 4, टोटल विकेट 15। यहां थोड़ी ज्यादा विकेट चली गई, बाकी श्रीलंका ने 201 किए थे यहां पे, ये भी नाइट का मैच था, नीदरलैंड 118 पे 10, पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 5, यहां पे टोटल विकेट 16। यानी कि आप देखोगे नाइट वाले गेम में रन्स बने हैं, ये डे मैच था, ये भी अच्छा जा रहा था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीकन टीम थोड़ा सा है वो बैकफुट पे चली गई। एक चीज देखोगे, जब दो टीमें एक जैसी खेली तो विकेट आप देखोगे 10, 12, 6 इस तरीके से दिखे, लेकिन एक थोड़ी सी बेहतर टीम के सामने थोड़ी सी कमजोर टीम आई तो यहां पे विकेट थोड़े से ज्यादा दिखे। लेकिन अभी के लिए आप जब देखोगे तो ये जो मैच होगा आज का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, ये दोनों इक्वल टीम है, तो वो चीजें होगी कि यार अगर कोई अच्छा गेंदबाज है तो सामने अच्छा बैट्समैन भी है तो उतनी इजीली विकेट वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं यही 12 से 13 विकेट, और 12 से 13 विकेट गिरती है तो वहां पे मुझे लगता है ऑलराउंडर्स इंपोर्टेंटली होने चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर्स का वहां पर रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। पेसर्स को 28 विकेट मिली है फर्स्ट में 12, सेकंड में 16, स्पिनर्स को 17 विकेट मिली, फर्स्ट में 7, सेकंड में 10 विकेट। यहां पे आप देखोगे पावर प्ले में क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। लास्ट मैच में आप देखोगे 63-0, ये साउथ अफ्रीका था, मैंने आपको बोला था ना बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका कर रही थी, फिर 14 ओवर में केवल 100 रन बनाए, समझ लो 84 बॉल में 100 रन, 0 विकेट थे 6 ओवर में 63 पे। इंग्लैंड का आप देखोगे 41-1 था, 54-0, 58-0, 92-1, 45-1, 45-2, 47-2, 54-1, 36-2, 81-1, 66-2, यानी कि यहां पे रन्स देखने को मिले हैं। 92 भी ये वेस्ट इंडीज ने किया था किसके अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बाकी यहां पे ये आप देखोगे ये दोनों इनिंग्स यहां पे 0-0 विकेट गिरी है, बाकी हर इनिंग्स में गिरी है, तो ये चीजें भी हो सकती है 54-0, 58-0, तो एक टीम आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, समझो ना, क्योंकि मुझे जो ऑस्ट्रेलियन टीम की गेंदबाजी लगती है वो उतनी कि रोहित शर्मा को ज्यादा परेशान करे, हालांकि रोहित शर्मा को लेफ्ट आर्म पेसर से दिक्कत रहती है और मिचेल स्टार्क वापसी करने वाले हैं। 32 मैच खेले गए, 19 इंडिया ने जीते हैं और 11 मैचेस जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, तो भाई सीधी सी बात है इंडियन टीम ने बेहतर किया है, और इस तरीके की विकेट पे ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा जो इंडियन टीम है वो बेहतर खेल सकती है, मैं बस इतना बोलूंगा आपको, समझ रहे हो। हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं, ये लास्ट दो मैच जो कि 2023 का मैच है, ये इंडिया में खेले गए थे, बेंगलुरु का ये मैच है वो इंडिया मैच जीता, ये भी आप देखोगे तो इंडिया मैच जीता। कॉमन प्लेयर्स में इंडिया की तरफ से जायसवाल फ्लॉप था, सूर्या फ्लॉप था, अक्षर पटेल ने ठीक किया, अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट निकाले। यहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेड एवरेज था मैथ्यू वेड 22, डेविड 17, नाथन एलिस 1 विकेट। यहां देखोगे जायसवाल के 37, सूर्या फ्लॉप, अक्षर पटेल ने 3 विकेट निकाले। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगेन ट्रिविल्स हेड एवरेज, मैथ्यू वेड ने 36 किए, टिम डेविड ने 19। यानी कि दोनों ही मैचेस में आप देखोगे तो वो बड़े पॉइंट्स नहीं आए, समझो ना बड़े पॉइंट्स नहीं आए, लेकिन ट्रीवियस हेड एक तो एवरेज रहे, एक यहां पे आप देखोगे अक्षर पटेल ने परफॉर्म किया, एक सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला जब ये दोनों मैच खेले गए थे और इंडिया में ही खेले गए थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव है जो कि थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में ट्रीवियस हेड, डेविड वार्नर ओपन कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जेम्पा और जैस जोस हैजलवुड, ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे, जहां पे आप देखोगे पैट कमिंस डेथ में गेंदबाजी करते हैं, मिचेल स्टार्क है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, जोस हैजलवुड पावर प्ले में करते हैं और मिचेल स्टार्क पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, तो इस तरीके से है जो कि इनकी गेंदबाजी होती है, समझ गए। फुल
स्टैट्स की बात करते हैं, सबसे पहले मैथ्यू वेड का नाम आएगा। स्टैट्स बढ़िया नहीं, कभी बैटिंग नहीं आती। इंडिया के अगेंस्ट 60 का एवरेज है, यानी कि जब भी इंडिया के सामने बैटिंग आती है ये बंदा परफॉर्म करता है। वेन्यू पे 18 रन है, 18 का एवरेज है 7 मैच में। T20 करियर 26 का, लेकिन मैं उतना आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत नीचे आ रहा है और बैटिंग भी उतनी नहीं आती है। एकदम ही ऑस्ट्रेलिया कोलैप करेगी देन बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। ट्रिविया सेट का बल्ला एवरेज रहा है, उतना खराब नहीं रहा इस T20 वर्ल्ड कप में। हेड टू हेड 29 का एवरेज है, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट एवरेज परफॉर्म करता है। वेन्यू पे एक मैच में 68 है, T20 करियर 29 का एवरेज इसका रहता है। ऑफकोर्स मैं ट्रिविया सेट को लेके जाऊंगा, होप कि यहां पे जसप्रीत बुमराह इसके लिए प्रॉब्लम करे, क्योंकि अगर इसका बल्ला चला तो इंडियन टीम प्रॉब्लम में आ जाएगी। डेविड वार्नर की बात करते हैं, 3-53-1-20-39, तो उतना बेहतर भी नहीं बोलूंगा लेकिन खराब भी परफॉर्म नहीं किया। इंडिया के अगेंस्ट 27 का एवरेज है, वेन्यू पे 5 मैच में 10 का है, यानी कि इस वेन्यू पे है जो कि डेविड वार्नर ने स्ट्रगल किया है। T20 करियर 33 का इसका एवरेज रहता है। यहां से अभी तक के लिए मैं श्योर हूं कि मैं दोनों को लेके जाऊंगा, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर मुझे किसी को ड्रॉप करना पड़ा तो मैं करूंगा डेविड वार्नर को। मिचेल मार्श की बात करते हैं, तो मिचेल मार्श का बल्ला नहीं चला। हेड टू हेड 13 का एवरेज है 2 मैच में। वेन्यू पे 37 का है, T20 करियर 34 का है। अगर आप चाहो तो डेविड वार्नर की जगह आप मिचेल मार्श को अपनी टीम में रख सकते हो। हालांकि मिचेल मार्श ने इस T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रगल किया है, क्योंकि जो विकेट्स है, जो पिचेस है, वो अकॉर्डिंगली नहीं है किसके, मिचेल मार्श के। हालांकि मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेविड वार्नर की जगह मिचेल मार्श को रख सकता हूं। बाकी आप देखोगे ग्लेन मैक्सवेल, सॉरी यहां पे टिम डेविड की बात करना भूल गए, टिम डेविड का बल्ला नहीं चला। हेड टू हेड 23 का एवरेज, वेन्यू पे 24 का, ओवरऑल देखोगे 39 का एवरेज है, बहुत नीचे भी आते हैं, ऐसी विकेट पे स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। बाकी ग्लेन मैक्सवेल का आप देखोगे 59+0, 14+1, 11+2, तो बैटिंग में लास्ट मैच को निकाल दो तो उतना अच्छा नहीं किया। इंडिया के अगेंस्ट 32 का एवरेज है, 4 विकेट। वेन्यू पे आप देखोगे 11 रन है एक मैच में, 2 विकेट है। T20 करियर 30 का एवरेज, 43 विकेट है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक CVC ऑप्शन भी बन सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस को मैं लेके जाऊंगा, 11+1, 1 विकेट, 59+0, 2 विकेट। इंडिया के अगेंस्ट 31 का एवरेज है, वेन्यू पे 59 रन है एक मैच में। T20 करियर 29 का एवरेज है, प्लस 37 विकेट है। तो ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर इंडिया को जीतना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रिविया सेट, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, इनको टारगेट करें। हालांकि मार्कस स्टोइनिस को तो आउट कर सकती है। पैट कमिंस को मैं लेके जाऊंगा, यहां से नंबर्स बहुत बढ़िया है इसके। हेड टू हेड 6 मैच में 6 विकेट, T20 करियर 56 में 66। मिचेल स्टार्क के ठीक नंबर्स है, हेड टू हेड 4 में 5, वेन्यू पे 5 में 1 है। T20 करियर 64 में 77 विकेट है। देखिए मेरा मन है मैं मिचेल स्टार्क को रखूं, लेकिन अगर मेरी टीम में जगह नहीं बनेगी किसी भी प्लेयर के लिए तो फिर मैं मिचेल स्टार्क को बाहर करूंगा। एडम जेम्पा के नंबर्स अच्छे हैं, T20 हेड टू हेड 15 में 12 विकेट, वेन्यू 6 में 5, T20 करियर 86 में 105 विकेट। कहीं ना कहीं स्पिन को इंडियन टीम अच्छा खेलती है तो शायद एक से ज्यादा विकेट ना लेके जाए। जो सैजलवुड के नंबर्स खराब है, हेड टू हेड 5 में 3, वेन्यू 4 में 4, ओवरऑल 50 में 64। तो यहां पे मेरे लिए एक फिलहाल के लिए पैट कमिंस है, फर्स्ट बॉलिंग में स्टार्क आ सकता है। अब आगे आपको पता है जो सैजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जेम्पा, पैट कमिंस, से 4 मेन गेंदबाज है। बाकी मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस के बीच में ओवर्स है जो कि बंट जाते हैं। यहां से मुझे कोई नहीं लग रहा कि आ सकता है। कैमरून ग्रीन एक ऑप्शन है। हाँ, बाकी इंडियन टीम की प्लेइंग के लिए देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्या, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, ये 11 प्लेयर्स हैं। अर्शदीप सिंह डेथ में गेंदबाजी करते हैं, जसप्रीत बुमराह है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं। पावर प्ले में कौन करता है, अर्शदीप सिंह करते हैं, हार्दिक पंड्या करते हैं, और जसप्रीत बुमराह का एक दो ओवर आपको पावर प्ले में देखने को मिलता है। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, ऋषभ पंत, नंबर्स ऋषभ पंत के बढ़िया है इस T20 वर्ल्ड कप में। हेड टू हेड इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है, 6 मैच में केवल 24 रन, समझ रहे हो ना। उसके अलावा T20 करियर 22 का है, तो स्टैट्स ऋषभ पंत को थोड़ा सा बाहर रखने को बोल रहे हैं, समझ रहे हो। उसके अलावा रोहित शर्मा की बात करते हैं, रोहित शर्मा 23-8-3-13-52, अच्छे नंबर्स नहीं है, ये पहला मैच ठीक था केवल।
ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 24 का एवरेज है, वेन्यू पे बैटिंग नहीं है, T20 करियर आप देखोगे 31 का है। रोहित शर्मा आज के मैच में आपके लिए कहीं ना कहीं वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में रहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को खेला, ऑस्ट्रेलिया को खेलना पसंद भी करते हैं। विराट कोहली 37-24-0-4-31 एवरेज है, हेड टू हेड 54 का एवरेज है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को खेलना पसंद करते हैं। T20 करियर 49 का है, आप चाहो तो इन दोनों को CVC कर सकते हो एक टीम में, साथ में CVC कर सकते हो। सूर्या के नंबर्स आप देखोगे, दो हाफ सेंचुरी आ चुकी है, हेड टू हेड 32 का एवरेज है, T20 करियर 45 का है। जब तक जहां तक पॉसिबिलिटीज होगी मैं सूर्या को रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि मैं नहीं ले पा रहा हूं, किसी और को छोड़ना पड़ रहा है, देन मैं सूर्या को ही छोड़ूंगा। शिवम दुबे के नंबर्स उतने अच्छे नहीं जा रहे, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 24 में 39 का एवरेज है, एक चीज ध्यान में रखना। ये जो IPL के प्लेयर आते हैं ना, जैसे कि एक बार के लिए वेंकटेश अय्यर आए, फिर ऋतुराज गायकवाड़ आए, ये ऐसे प्लेयर होते हैं ना, इनको आप इंडिया में किसी टीम के अगेंस्ट खिलाओगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन आप इनको इंडिया से बाहर लेके जाओगे और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के सामने, तो वहां पे स्ट्रगल करते हैं, तो वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे रहे हैं, नंबर्स ठीक है, हेड टू हेड 12 में 52 का एवरेज, 6 विकेट है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को पेलना ये भी पसंद करता है। 95 में 25 का एवरेज, 80 विकेट है टोटल। रविंद्र जडेजा बहुत खराब परफॉर्म जा रही है, ज्यादा गेंदबाजी नहीं आ रही, 10 मैच में 8 विकेट है, हेड टू हेड वेन्यू पे 2 में 1, ओवरऑल 53 विकेट है 69 मैच में। अक्षर पटेल 3+0 12+1 एक ऐसा है, हेड टू हेड 8 में 14 विकेट है, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 55 में 19 का एवरेज, 52 विकेट है। अक्षर पटेल कहीं ना कहीं अगर कॉलैब करती है जो इंडियन टीम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत बार कर जाती है, तो अक्षर पटेल फिर वहां से आपके लिए एक ऑप्शन बनते हैं जो डिफरेंशियली आपको परफॉर्म करके देंगे। कौन? अक्षर पटेल, समझ गए। बाकी आप जाओगे बॉलिंग में, कुलदीप यादव का आप देखोगे, कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की है, हेड टू हेड 5 में 6 विकेट, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 35 में 59 विकेट है। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम में आप देखोगे तो फिलहाल के लिए ओपनर्स को आप गिनोगे तो वो लेफ्ट इंडीज है, और कुलदीप यादव लेफ्ट इंडीज के अगेंस्ट बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, राइट इंडीज के अगेंस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिटाई होती है, तो वो एक पॉसिबिलिटीज है कि शुरुआत में आएंगे नहीं, बाद में शायद वो दोनों आउट हो जाए, तो फिर कुलदीप यादव एक रिस्की प्लेयर बन जाते हैं। अर्शदीप सिंह का देखोगे ये भी ठीक जा रहे हैं, 4 मैच में 4 विकेट, हेड टू हेड T20 करियर 49 में 74, लेकिन मुझे जसप्रीत बुमराह अच्छे लग रहे हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी, हेड टू हेड 13 में 16, T20 65 में 79, यहां से मुझे केवल जसप्रीत बुमराह फिलहाल के लिए अच्छे लग रहे हैं। अर्शदीप सिंह, हार्दिक, जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा आप देखोगे कुलदीप यादव, ये 4-4 ओवर डालते हैं, अक्षर पटेल और जडेजा में ओवर बढ़ते हैं, हालांकि लास्ट मैच में जडेजा ने 2 मैच में 3-3 ओवर डाले हैं। यहां पे आप देखोगे तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी आएगा। प्लेयर्स बैटल पे चलते हैं, देखना ट्रिवियस हेड की बात करते हैं। ट्रिवियस हेड अगर दिक्कत हुई है, अर्शदीप ने 2 बार आउट किया है, उसके अलावा अगर आप देखोगे सबकी पिटाई है, रविंद्र जडेजा ने 2 बार आउट किया है, जो कि मुझे नहीं लगता गेंदबाजी करेंगे इनके सामने। डेविड वार्नर बुमराह के सामने कहीं ना कहीं रन है, लेकिन स्ट्रगल भी है। कुलदीप यादव को ठीक खेलें, उसके अलावा अगर आप देखोगे कुलदीप अक्षर को ठीक खेलें, यूजी को ठीक खेलें, सिराज को भी ठीक खेलें। मिचेल मार्श का आप देखोगे तो कोई बड़े स्टैट्स नहीं है, नॉर्मल है। ग्लेन मैक्सवेल का आप देखोगे तो ग्लेन मैक्सवेल ने बुमराह के सामने स्ट्रगल किया है। कुलदीप यादव के सामने स्ट्राइक रेट बढ़िया है, लेकिन 4 बार विकेट भी दिए। रविंद्र जडेजा के सामने स्ट्राइक रेट बढ़िया है, लेकिन 7 बार विकेट दिए। अक्षर पटेल के सामने स्ट्राइक रेट बढ़िया है, लेकिन 2 बार विकेट दिए। लेकिन यजुवेंद्र चहल के सामने भी स्ट्राइक रेट बढ़िया है, लेकिन 5 हॉल विकेट्स है, जो कि यजुवेंद्र चहल के, यानी कि ग्लेन मैक्सवेल के स्ट्राइक रेट बढ़िया है, लेकिन विकेट्स भी बहुत सारे नाम है। मार्कस स्टोइनिस का देखोगे बुमराह के सामने स्ट्रगल करते हैं टोटली, आप देखोगे तो नहीं कर पाते हैं सर्वाइव। अक्षर पटेल के सामने भी आप देखोगे तो स्ट्रगल करते हैं मार्कस स्टोइनिस। बाकी टीम डेविड का देखोगे 2 बार अक्षर ने, 2 बार चहल ने, ये फोकस रखना अपना। रोहित शर्मा सेम चीज, मिचेल स्टार के सामने 1 बार विकेट है 16 मैच में 16 बॉल में, हैजलवुड के सामने 1 बार ठीक खेले, पैट कमिंस के सामने रोहित शर्मा का स्ट्रगल दिखा, एडम जेम्पा के सामने रोहित शर्मा का स्ट्रगल दिखा है, ग्लेन मैक्सवेल को ठीक खेले, विराट कोहली के नंबर्स बहुत अच्छे, केवल जेम्पा को 3 बार विकेट दिया, लेकिन रन भी ठीक है। सूर्या पैट को ठीक खेले, उसके अलावा मार्कस को ठीक खेले, एडम को ठीक खेले, उसके अलावा नाथन एलिस को भी ठीक खेले,
ऋषभ पंत का देखोगे तो दो बार विकेट दिए जेम्पा को, दो बार दिए ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल के सामने थोड़ा स्ट्रगल है, शिवम दुबे के बड़े नंबर्स नहीं है। मिचेल मार्श ने दो बार आउट किया, हार्दिक पंड्या तीन बार आउट किया, स्टोइनिस ने दो बार, एडम जेम्पा ने, लेकिन एडम जेम्पा की पिटाई भी हुई है। तो बड़ी टीम है, बहुत खेल चुकी है, बहुत सारे नंबर्स आपके सामने है, ये अपने माइंड में रखना। टीम की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पे आप देखोगे ऋषभ पंत को मैंने रखा क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको वही मिलेंगे। ट्रिवियस हेड वाइस कैप्टन रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और विराट कोहली। अब आप चाहो तो इन दोनों में से एक ड्रॉप करके जा सकते हो। मैंने मार्कस स्टोइनिस को रखा, मैंने हार्दिक पंड्या को रखा, ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह। यहाँ पे अगर पहले ऑस्ट्रेलियन टीम बोलिंग करती है, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, डेविड वार्नर को ड्रॉप करके आप मिचेल मार्श स्टार को ले सकते हो, या फिर मिचेल मार्श को ड्रॉप करके आप मिचेल स्टार को ले सकते हो। समझ गए? कैप्टन वाइस कैप्टनसी ये देखिए, ये यहां भी जा सकती है कैप्टनसी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं विराट कोहली और हार्दिक पंड्या, जो कि आपको ओवर्स भी दे रहे हैं। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप विराट प्लस हार्दिक कर सकते हैं, विराट एज ए वाइस, हार्दिक एज ए कैप्टन, समझ रहे हो? वो चीज आप कर सकते हैं, बेनिफिशियल आपको दे सकता है। बाकी अगर कोई भी चेंजेस होते हैं वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।